अखिलेश रोज आकर अपने खेत पर क्यों बैठ जाती हूँ? तुम्हारे खेत में चटके ही चटके पड़े हैं। कोई कह देगा पिछले साल इसमें लहराती हुई फसल थी हरी भरी। पूरे 6 महीने होने को जा रहे हैं, अपने गांव में पानी की एक बूंद नहीं बरसी है। बहुत भयंकर सूखा पड़ा है अपने गांव में। क्या करूं मोदी जी, आकर अपने खेत पर बैठ जाता हूं, सोचता हूं कहीं से थोड़ा बादल का टुकड़ा आ जाए और अपने गांव पर बरस जाए, फिर से फसलें लहराने लगे। कितनी तेज धूप है, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है। तुम चिंता मत करो, बारिश होगी, जल्द बारिश होगी। अरे मोदी जी, कब बारिश होगी? सब लोग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊँ। सोच तो मैं भी रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊँ, और जैसी सूखा खत्म हो जाए तभी दोबारा इस गांव में वापस आ जाएंगे, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, किस चीज से जाया जाए। वैसे एक बात बताऊं मोदी जी, राहुल ने एक ऊंट खरीदा है और वो ऊंट पर गांव के लोगों को इस गांव से दूसरे गांव पहुंचा रहा है, जहां पर सूखा नहीं है उस गांव में पहुंचा रहा है। ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो समाज सेवा कर रहा है वो तो। चलो उसी के साथ चलेंगे, अपना उसी से बात करेंगे। अरे समाज सेवा क्या कर रहा है, बहुत तगड़ा किराया वसूल कर रहा है अपने ऊंट से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अरे वो देखो, राहुल का नाम लिया, राहुल आ भी गया, योगी जी को दूसरी जगह लेके जा रहा है वो। अरे राहुल रुकना जरा, अपने ऊंट को यही रोको। बोलो मोदी जी, क्या बात है? अरे मैं और अखिलेश भी इस गांव से दूसरे गांव में जाने की सोच रहे हैं, जब सूखा खत्म हो जाएगा वापस इसी गांव में आ जाएंगे। बोलो क्या भाड़ा लोगे हमसे, और हमें पहुंचा दो दूसरे गांव। अरे मोदी जी, क्या तुम इसे चाय बनाना समझ रहे हो कि चाय पत्ती दूध डाला और चाय तैयार? मतलब आपने कह दिया कि लेके चलो तो मैं लेके चल दूंगा। अरे आपसे पहले अभी 700 लोगों को जाना है, गांव के 700 लोगों की एडवांस बुकिंग है मेरे पास, और एक आदमी से मैं 500 रुपए किराया लेता हूँ, और दिन भर में 10 आदमी पहुंचा पाता हूँ एक गांव से दूसरे गांव अपने ऊंट से। अरे तो ऐसे तो हमारा नंबर 2 महीने बाद आएगा। अरे मोदी जी, इस राहुल के चक्कर में मत पड़ना, पूरे 2 महीने पहले मैंने इससे जाने को बोला था, आज ये मुझे ले जा रहा है दूसरे गांव। इससे तो आप पैदल ही चले जाओ तो बढ़िया है। इस राहुल ने इस सूखे में अपने ऊंट के किराए से कम लाखों रुपए कमा लिए। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, हमें कितने दिन तक और इसी तरीके से नाव में पढ़ाई करना पड़ेगी? कब तक गांव में बाढ़ का पानी खत्म होगा, और कब स्कूल दोबारा खुलेंगे? पूरे गांव में चारों तरफ पानी पानी फैला पड़ा है बाढ़ का। ऐसी बाढ़ तो मैंने अभी तक नहीं देखी। योगी जी, बस कुछ दिन की बात और है, बाढ़ का पानी कम होने लगा है, हल्के हल्के गांव में बाढ़ का पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और क्या कह रहे हो, स्कूल कब खुलेंगे? अरे स्कूल नहीं खुल रहा है तो क्या हुआ, मैं नाव में तो रोज तुम्हें पढ़ा ही रहा हूँ, ये भी तो स्कूल खुलना ही हुआ। वो तो भला हो लालू जी का, जिन्होंने अपनी नाव को हमें पढ़ने के लिए दे दिया। चलो वो सब छोड़ो अखिलेश, कल मैंने तुमसे कहा था किसी के सर के बाल गिन के लाना, गिन के ले आए किसी के सर के बाल? कितने बाल होते हैं एक आदमी के सर में बताओ? मैं तो सर के बाल गिन आया मोदी जी, एक आदमी के सर के बाल गिन के चला आया मैं। कितने बाल थे उसके सर में बताओ, कितने थे? 0 बाल था मोदी जी उसके सर में, 0। अरे 0 बाल कैसे था, तुम्हारे सर में क्या 0 बाल है, लाखों बाल है तुम्हारे सर में। अरे मोदी जी, आपने कहा था किसी भी आदमी के सर के बाल गिन के चले आना, मैंने जिस आदमी के सर के बाल गिने वो तो गंजा था, उसके सर पर एक भी बाल नहीं था, तो 0 बाल हुए नहीं हुए? बहुत बढ़िया अखिलेश, बहुत बढ़िया आंसर दिया तुमने। अच्छा उमेशी जी, तुम बताओ, अपने आप से बातें करना इस वाक्य का उदाहरण दे के जाओ। अरे अभी बता देते मोदी सर जी, ये तो बहुत ही आसान है, चलो बताता हूँ मैं। और वैसी जी कैसे हो, सब कुछ ठीक तो है? मोदी जी बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते। अरे ये क्या कर रहे हो वैसी जी? अरे मोदी सर जी, अपने आप से बातें कर रहा हूँ, आप ही ने तो कहा अपने आप से बातें करना, इस वाक्य को उदाहरण दे के समझाओ। मैंने अपने आप से बातें कर ली। क्या बात है वैसी जी, बहुत बढ़िया। राहुल तुम बताओ, आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे को उदाहरण दे के समझाओ। ये तो मोदी जी बहुत ही आसान है, दाल 50 रुपए किलो है, आटा 20 रुपए किलो है। अरे ये क्या कर रहे हो राहुल? अरे आटे और दाल का भाव बता रहा हूँ तुम्हें। अरे मोदी जी, तुम इन लोगों को नहीं पढ़ा पाओगे, ये उल्टा तुम्हें पढ़ा देंगे। जब तक बाढ़ खत्म नहीं हो जाती तब तक इनकी छुट्टी कर दो और कहो के घर पे जाके पढ़े। वैसे भी तुमने मेरी नाव को स्कूल बना रखा है, नहीं तो इस बाढ़ में मैं अपनी नाव से बहुत कमाई कर लेता। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
चलो भाई पूरे महीने भर का राशन मोल ले लिया मोदी जी की दुकान से। गांव में इतनी भयंकर बाढ़ आई हुई है कि पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। पता नहीं बाढ़ का पानी कब कम हो, इसीलिए मैंने तो पूरे महीने भर का राशन खरीद लिया मोदी जी की दुकान से। अरे राहुल, सामान तो खरीद लिया मोदी जी की दुकान से, लेकिन ये सामान कितना महंगा बेच रहे। गाँव में बाढ़ आ गई है, कोई दूसरा दुकान वाला दुकान खोल नहीं रहा है, ये मोदी जी दुकान खोल रहे हैं और इतना महंगा सामान बेच रहे हैं, क्या बताऊं। दाल जो ये पहले 50 रुपए किलो बेचते थे, वो दाल ये 500 रुपए किलो बेच रहे हैं। योगी जी, ये बात कहते हुए तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लग रहा है? एक तो मैं बाढ़ के इतने पानी में दुकान खोलता हूँ, पूरा दिन भर दुकान के बाहर पानी में बैठा रहता हूँ, इसलिए कि किसी भी गांव वाले को किसी सामान की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन तुम्हें सामान महंगा लग रहा है। अरे बाढ़ में तो मुझे भी बाहर से सामान महंगा मिल रहा है, क्या करूं मैं। अरे मोदी जी, ज्यादा बातें तो बनाओ मत। अगर पानी में और बाढ़ में दुकान के बाहर तुम बैठे रहती हो तो यूं ही थोड़ी बैठे रहती हो, कमाई नहीं कर रहे हो। योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखो, जो चावल मैंने पिछली बार तुमसे 90 रुपए किलो लिए थे, वो तुम 400 रुपए किलो बेच रहे हो अब चावल। अब तुमने ये 400 रुपए किलो दिए मुझे चावल। वैसे अखिलेश, एक बात मुझे और पता चली है, इन्होंने गांव की जितने भी दुकानदार थे उनकी दुकान का सारा सामान खरीद लिया, अब ये महंगे रेट में बेच रहे हैं अपने सामान को। अरे योगी जी, अखिलेश, तुम लोगों को ये बात करते हुए जरा सा भी डर नहीं लगता? कम से कम सोच समझ के तो बोलो। ये बताओ, ये मोदी जी इस गांव में, इस बाढ़ में पानी में दुकान खोले हुए नहीं होते, तुम सामान कहां से खरीद के लाते? अरे वो भले ही कैसे भी बेच रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं, ये ध्यान दो कम से कम बाढ़ में वो दुकान तो खोले हुए हैं, सब लोगों को खाने पीने का सामान तो मिल रहा है। राहुल सही कह रहे हो तुम, ये योगी जी और अखिलेश तो मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। पिछली बार बराबर वाले गांव में बाढ़ आई थी, उस गांव में कोई दुकान न होने की वजह से कितने लोग घर छोड़ छोड़ के भागे थे। अरे अपने गांव में तो मैंने पूरे महीने के खाने पीने का इंतजाम पूरे गांव के लिए कर रखा है, इतना सामान तो मैं खरीद लाया हूँ कि पूरे महीने भर गांव के लोग खाते रहे खरीद खरीद कर मुझसे। ये बाढ़ का पानी आज नहीं तो कल तो कम हो ही जाएगा। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, मेरी सिलाई मशीन को इतनी बढ़िया तरीके से सही कर देना कि आगे कभी खराब ना हो। मेरी सिलाई मशीन महीनों से खराब है, मेरा कुर्ता भी फट गया है, इसीलिए ऊपर से मैं कंबल ओढ़े फिरता हूँ, फटा हुआ कुर्ता नहीं दिखे। सिलाई मशीन खराब थी इसीलिए सिली नहीं पाया मैं अपने कुर्ते को। अब तुम जल्द से जल्द मेरी सिलाई मशीन को ठीक कर दो, उसके बाद मैं अपना कुर्ता सिल लूं। योगी जी, आप जरा सी भी टेंशन मत लें, मैंने गली गली अपनी साइकिल से घूमकर ये सिलाई मशीन सही का तरीका निकाला है। इससे मैं गली गली जाकर सिलाई मशीन लोगों की ठीक करता हूँ, जिसकी भी सिलाई मशीन खराब होती है। और मेरी एक खासियत है, जिसकी सिलाई मशीन मैं एक बार ठीक कर देता हूँ, उसकी सिलाई मशीन सालों तक खराब नहीं होती है। बेफिक्र रहो, आज मैं आपकी सिलाई मशीन ठीक करता हूँ, पूरी साल भर खराब नहीं होगी। अरे राहुल, तुम कैसे आ गए? तुम्हारी सिलाई मशीन तो मैंने कल ठीक करी थी। अरे जाओ मोदी जी, उल्टी सीधी बातें करके लोगों की सिलाई मशीन ठीक कर देते हो और उनसे पैसे ले लेते हो, जैसे तुमने मेरे साथ कल किया। कल ये तुम सिलाई मशीन ठीक करके गए थे, मेरी खराब थी मेरी सिलाई मशीन, और तुमने यही कहा था जो अभी तुम योगी जी से बोल रहे थे कि साल भर मशीन खराब नहीं होगी, एक बार ठीक कर दूंगा। लो, साल भर क्या, एक दिन भी पूरा नहीं हो पाया है, मशीन खराब हो गई आपकी। कल ही तो ठीक करी थी ये आपने। मम्मी बहुत डांट लगा रही है, कह रही है किस मिस्त्री से ठीक करा ली सिलाई मशीन। अरे मोदी जी, तुम तो कह रहे थे कि मैं एक बार सिलाई मशीन ठीक कर देता हूँ, साल भर खराब नहीं होती। ये राहुल की तो तुमने सिलाई मशीन कल ही सही करी थी और आज लेके चला आया, आज उसकी फिर खराब हो गई सिलाई मशीन। अरे मेरी सिलाई मशीन का काम यही रोक दो, मैं अपनी सिलाई मशीन तुमसे ठीक नहीं करवाऊंगा। अरे योगी जी, इस राहुल की बातों में मत आओ। कल जब मैं इस राहुल की मशीन ठीक कर रहा था, मैं कह रहा था देख तेरे 2-4 पुर्जे महंगे है वो पड़ेंगे, लेकिन इसने वो पुर्जे नहीं डलवाए अपनी मशीन में, इसीलिए इसकी मशीन खराब हो गई। अब इसमें मेरी क्या गलती, अब आपकी भी मशीन का एक पुर्जा पड़ेगा। बोलो वो पुर्जा कितने का है, डाल दो। वो पुर्जा 3,000 रुपए का है। अरे मोदी जी, 3,000 में तो नई सिलाई मशीन मिल जाएगी। अरे तो मैं कौन सी तुम्हें पुरानी नई मशीन दूंगा, ये तुम्हारी वाली पुरानी मशीन मैं अपने पास रख लूंगा, तुम्हें लाके दे दूंगा, नहीं हो जाएगी ठीक तुम्हारी मशीन। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।